दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कि अपने से बड़े अनुभवी आदमी को या जो ऑलरेडी जॉब कर रहा हो या बिजनेस कर रहा है, उनको कैसे वेस्टीज बिजनेस में इनवाइट करें और उनको कैसे प्लान बताएं। और जो तरीके आपको बताने वाले हैं उससे 110% ज्वाइनिंग होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम वेस्टेज से रिलेटेड वीडियो रेगुलर अपलोड करते हैं। कि आप जब किसी व्यक्ति को इनवाइट कर रहे हैं और जब आप अपने बिजनेस के बारे में उससे बात करने वाले हैं, तो हमेशा याद रखिएगा कि आपके बात करने का तरीका, आपके इनवाइट करने का तरीका कुछ इस तरीके से होना चाहिए जो सामने वाले व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा पैदा कर दे और ज्यादा जानने की, उसको और ज्यादा उत्सुक बना दे और ज्यादा जानने के लिए प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में। और जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आप क्या कहते हैं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आप किसी भी बात को कैसे कहते हैं। आपके बात करने का तरीका ऐसा होना चाहिए जो लोगों में क्यूरियोसिटी पैदा कर। तो यहां पर मैं आपको कुछ अप्रोचेस के बारे में बताऊंगा, अलग अलग अप्रोचेस जो आप अलग अलग सिचुएशंस और अलग अलग लोगों के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं और लोगों के अंदर वो क्यूरियोसिटी पैदा कर सकते हैं कि आखिरकार वो मीटिंग में क्यों आए। देखिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस बड़ा बने, आपको अच्छी खासी इनकम आए, तो आपको इस चीज़ में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास ये एक्सपर्टीज होनी चाहिए कि आप लोगों को मोहित कर पाओ, लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाओ कि वो आपके बिजनेस में क्यों आए। आपने देखा होगा कि मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कुछ भी बेच देते हैं। इसका मतलब क्या है कि उनके पास वो स्किल्स है, उनके पास वो नॉलेज है, एक्सपीरियंस है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। तो अगर आप वेस्टीज के कुछ भी प्रोडक्ट सेल आउट करना चाह रहे हैं या वेस्टीज का बिजनेस भी आप लोगों को बता रहे हैं, आपके पास वो प्रभावी बातें होनी चाहिए जो लोगों की मदद कर पाए सही डिसीजन लेने में। सबसे पहले जो यहाँ पर हमारा एक तरीका होता है लोगों को इनवाइट करने का, जो फर्स्ट अप्रोच होती है, इसको हम बोलते हैं हु डू यू नो समवन अप्रोच। इसको कुछ इस तरीके से करते हैं कि आप किसी व्यक्ति को डायरेक्टली इन्वाइट ना करके आप इनडायरेक्टली इन्वाइट। नाउ इनडायरेक्टली इनवाइट करने का जो तरीका है वो कुछ इस तरीके से है कि दोस्त, आपसे बात करते हुए मुझे याद आया एक बिजनेस है जो मैं आजकल कर रहा हूं, जहां पे लोग बहुत कामयाब है। क्या आप कुछ ऐसे लोगों को जानते हो जो पार्ट टाइम काम करके अच्छी इनकम कमाना चाहते हो, तो प्लीज मुझे बताइए, कुछ ऐसे लोगों की तलाश में हूं। क्या हम मिल सकते हैं शनिवार शाम 6 बजे, ताकि इसके बारे में मैं आपको और बता सकूं। ना यहां पर आपने डायरेक्टली उस व्यक्ति को ये नहीं बोला कि आप ज्वाइन कर, आपने उसे इनडायरेक्टली बोला, क्या आप ऐसे कुछ लोगों को जानते हो जो पार्ट टाइम काम करके अच्छी इनकम कमाना चाहते हो। क्योंकि जब आप इस तरीके से बात करेंगे तो हो सकता है सामने वाला बोले, अच्छा कौन सी अपॉर्चुनिटी है, क्या अपॉर्चुनिटी है, पहले मुझे तो बताओ कौन सा बिजनेस है। नाउ जब वो इस तरीके के सवाल करता है तो आपका जवाब सिर्फ एक होना चाहिए कि दोस्त देखिए, मैं फोन पे नहीं बता सकता, उसके लिए हमें एक मीटिंग करनी पड़ेगी, तो चलिए टाइम डिसाइड कर लेते हैं कि वो मीटिंग हम कब करेंगे, वहां पर मैं आपके सारे सवालों के जवाब। क्योंकि हमारा मकसद फोन पर प्लान या प्रोडक्ट समझाने का नहीं है, हमारा मकसद सामने वाले को ये मेक श्योर करना है कि वो मीटिंग अटेंड करे। क्योंकि जब वो मीटिंग अटेंड करेगा, मीटिंग के अंदर उसके ज्यादा से ज्यादा सवालों के जवाब दिए जाएंगे। वाह, क्या खतरनाक अप्रोच बताइए सर ने। आपको ऐसे बिहेव करना है, ऐसे एक्ट करना है जैसे कि आप कुछ जानते ही नहीं हो। आपको सिंपल सा लोगों से पूछना है कि मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ, तो आपकी नज़र में ऐसा कोई बंदा है जो पार्ट टाइम अच्छा खासा पैसा कमाना चाह रहा है। तो अगर आप ये सवाल किसी से भी करते हो तो सबसे पहले उसके दिमाग में क्या उठेगा, यार इस बंदे के पास कुछ तो है। ठीक है, वो करेगा नहीं करेगा वो अलग बात है, पर उसके दिमाग में, उसके जहन में ये सवाल तो ज़रूर आएगा कि क्या अप्रोच है, मतलब क्या है, इसके पास ऐसा प्लान है जो ये किसी और की मदद करना चाह रहा है पैसे कमाने के लिए। तो वो आपसे पूछेगा ज़रूर कि क्या प्लान है, क्या काम है, ठीक है, कितना काम है, कैसे करना है। तो उसके तमाम तरह के सवाल वहाँ पर होंगे। तो आपको सभी सवाल के जवाब नहीं देने हैं, आपको बोलना है कि हमारी एक मीटिंग है, ठीक है, संडे को मीटिंग है, मंडे को मीटिंग है, होम मीटिंग है, सेमिनार है, जो भी हो, ठीक है, इवेंट है, तो उसके बारे में उनको जानकारी देनी है कि आप इस समय इतनी बजे इस मीटिंग में आइए और यहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो लोग आएंगे भी सही, जुड़ेंगे भी सही और काम भी करेंगे। बस आपका जो अप्रोच है, जो तरीका है, वो सही होना चाहिए। अब बात करते हैं अगली अप्रोच के बारे में, जिसको हम बोलते हैं लोकेशन अप्रोच। लोकेशन अप्रोच यानी कि जगह, कि जब आप अपने शहर के बाहर जाकर किसी व्यक्ति को इस बिजनेस में लेकर आना चाहते हैं या अपने शहर के बाहर इस नेटवर्क को बिल्ड करना चाहते हैं,
तो आप किसी व्यक्ति से कुछ इस तरीके से बात करेंगे कि दोस्त, एक बिजनेस है जो मैंने अभी कुछ समय पहले शुरू किया है और उसे अभी तक मैं अपने शहर में कर रहा था और उसे अब मैं अब आपके शहर में एक्सपेंड करना चाहता हूं या आपके शहर में फैलाना चाहता हूं, तो क्या आप अपनी आमदनी बढ़ाना चाहोगे? नाउ ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि जब आप किसी व्यक्ति को ये बोलते हो क्या आप अपनी आमदनी बढ़ाना चाहोगे, तो याद रखिएगा आमतौर पर लोगों का जो जवाब होता है वो एक सवाल के रूप में होता है और वो सवाल होता है कैसे। तो जैसे ही आपने कहा कि आप अपनी आमदनी बढ़ाना चाहोगे और सामने वाले ने पूछा कैसे, तो आप सिर्फ एक चीज कहोगे कि कैसे का जवाब मैं आपको इस समय नहीं दे सकता, उसके लिए हमें मीटिंग करनी पड़ेगी जहां पर आपके हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ एक चीज का है और वो है अपॉइंटमेंट फिक्स का। इसके बाद जो अगली अप्रोच है वो है लोकेशन अप्रोच। क्या होता है ना कि आप किसी एक शहर में हो, ठीक, वहां से आप किसी और दूसरे सिटी में जाते हो, शहर में जाते हो, और वहाँ पर रह रहे आदमी से जो भी आपके कॉन्टेक्ट में है उनसे पूछते हो कि यहाँ पर मैं एक बिजनेस शुरू करने वाला हूँ, तो आपकी नज़र में ऐसा कोई बंदा है, कोई व्यक्ति है जो पार्ट टाइम में अच्छा पैसा कमाना चाहते हो तो मुझे बताओ। तो जब आप ऐसा क्वेश्चन सामने वाले से पूछते हो तो उसके मन में जिज्ञासा उठती है, वो सोचने लगता है कि इस बंदे के पास, मतलब मेरे दोस्त के पास ऐसा क्या बिजनेस है जो लोगों की मदद कर रहा है पैसे कमाने के लिए। तो फिर वो आपसे सवाल करते हैं कि क्या बिजनेस है, कैसा बिजनेस है। तो यहाँ पर आपका जो कार्य रहेगा वो आपको डायरेक्टली बिजनेस के बारे में नहीं बताना है, उनको इनवाइट करना है। तो संडे को हमारे कंपनी में इतनी बजे ये मीटिंग है, इस मीटिंग में आप आइए, समझिए प्लान को, अच्छा लगे तो करिए, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। तो अगर आप इस प्रकार से लोगों को इनवाइट करते हो, मतलब कि लोकेशन वाइज इनवाइट करते हो, तो लोग आपके साथ आएंगे भी सही, जुड़ेंगे भी सही और ये कार्य भी करेंगे। पर यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने ऐसे 50 लोगों को कॉन्टैक्ट किया है तो उसमें से 2-5-10 लोग आएंगे, क्योंकि सारे लोग वेस्टेज नहीं करेंगे, सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करेंगे। कुछ लोग होंगे जो आपके साथ आएंगे, कार्य करेंगे और आपको बहुत ज़्यादा सफल बनाएंगे। तो सर ने बहुत ही अच्छी और शानदार अप्रोच बताई है, उसको ट्राई जरूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हमारी सबसे आखिरी अप्रोच के बारे में जिसे हम बोलते हैं ओपिनियन अप्रोच। ओपिनियन अप्रोच यानी कि एक ऐसी अप्रोच जो आमतौर पर आप अपनी उम्र से बड़े लोगों के लिए या उन लोगों के लिए जो आपसे अनुभव में ज्यादा बड़े हैं उनके लिए आप इस्तेमाल करते हैं। यहां पर आप किसी को डायरेक्टली इनवाइट ना करके आप उस व्यक्ति की सलाह लेते हैं और सलाह आप कुछ इस तरीके से लेते हैं कि आप उसे ये बोलते हैं कि आप बहुत अनुभवी हैं और मैं आपके अनुभव की कदर करता हूं और फिलहाल मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया है और मैं ये चाहता हूं कि एक बार मैं आपकी राय उस बिजनेस पे लूं और आपसे मिलकर उस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको पूरी तरीके से बताऊं ताकि आप अपनी ठीक ठीक राय मुझे उसके बारे में दें, क्योंकि जब आपकी राय मुझे मिल जाएगी और आप कहेंगे कि वाह क्या अपॉर्चुनिटी है, तो आपकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि आपके अनुभव की मैं कदर करता हूं। नो ये एक तरीका होता है आमतौर पर अपने से बड़ी उम्र के या अपने से ज्यादा अनुभवी लोगों को इनवाइट करने का। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अलग अलग अप्रोचेज अवेलेबल हैं और अलग अलग लोगों और अलग अलग सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आप इन अप्रोचेस को इस्तेमाल कर सकते हैं और लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा कर सकते हैं कि वो आखिरकार आपकी मीटिंग में क्यों। तो सर ने जैसे कि बताया है कि हमें प्लान बताने से पहले जिज्ञासा पैदा करना है, एक क्यूरियोसिटी पैदा करना है ताकि वो हमारे प्लान को जाने, हम जो जानकारी उसको देने वाले हैं वो उसको समझे और हमारे साथ ज्वाइन करे और आगे चलकर वो अपने बिजनेस को बढ़ाए, जिससे उसको तो फायदा होगा ही सही, हमें भी फायदा होगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इसको अपनी टीम के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम वेस्टेज से रिलेटेड वीडियो रेगुलर अपलोड करते हैं।